नमस्ते साथियों, त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में मतदान दल के सदस्यों हेतु चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था के संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसा कि आप इस वीडियो की विषय वस्तु देख पा रहे हैं। और साथियों, इस संबंध में कार्यालय जिला पंचायत सिवनी के दिशा निर्देश है और इसी दिशा निर्देश के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से आप तक मेरे द्वारा जानकारी प्रसिद्ध की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह दिशा निर्देश, और यह दिशा निर्देश समस्त विकास खंड स्रोत समन्वयक महोदयों को लिखा गया है और जिसकी विषय वस्तु है त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2022 में मतदान दल के सदस्यों के चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था विषयक। तो साथियों, ये विषय वस्तु है और इससे इस संदर्भ में विवरण दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि त्रिस्तरीय आम निर्वाचन 2022 जिला सिवनी में 3 चरणों में संपादित किया जाना है। तो साथियों, इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी अलग अलग चरणों में निर्वाचन कार्य होना है, ठीक है। और जिला सिवनी की हम बात करें तो इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के लिए तिथियां दी गई है 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई, ठीक है। और इसमें विकासखंड दिए गए हैं कि किस तिथि को किस विकासखंड में निर्वाचन होना है। अब साथियों, जो पोलिंग पार्टीज दूसरे स्थानों से मतदान दल के रूप में एक नए स्थान पर जाएंगी तो उनके लिए नाश्ता पानी एवं भोजन की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होगी, उस संबंध में यहाँ निर्देश दिया गया है। और कहा गया है कि उपरोक्त तालिका अनुसार निर्वाचन कराने हेतु पोलिंग पार्टियां यानी निर्वाचन दल जनपद पंचायत क्षेत्रांतर्गत मतदान केंद्रों में एक दिवस पूर्व पहुंचेंगे। तत्संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पोलिंग पार्टियों के चाय नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु निर्वाचन केंद्रों के स्कूलों में कार्यरत रसोईया या स्वसहायता समूह या शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को निर्देशित किया जावे। आगे कहा गया है कि उक्त समस्त चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था रसोईया या स्वसहायता समूह या शाला प्रबंधन समिति द्वारा मतदान दल के सदस्यों से वास्तविक स्थानीय दर से भोजन पकाने में प्रयुक्त सामग्री की राशि प्राप्त की जावे। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है पोलिंग पार्टी के सदस्यों के लिए जो विद्यालय है, विद्यालय में कार्यरत रसोईया या स्वसहायता समूह जो भी हो, या फिर वो नहीं है तो शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाना है। और यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था होगी और जो व्यय होगा वो व्यय की जो वास्तविक राशि है, जो वास्तविक स्थानीय जो दर है, वो मतदान दल के सदस्यों से ही उसकी राशि प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि रसोईया या स्वसहायता समूह या शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को अपने स्वयं के जेब से राशि व्यय नहीं करना है, बस केवल मदद करना है, सहयोग करना है, उनके लिए व्यवस्था करना है। और जो भी व्यवस्था में जो लागत आएगी, भोजन पकाने की, चाय नाश्ता पानी की जो लागत आएगी, तो वो लागत की राशि जो है वास्तविक स्थानीय दर से मतदान दल के सदस्यों से ही प्राप्त करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, यह पत्र समस्त विकासखंड स्रोत समन्वयक महोदय को लिखा गया है और उनके द्वारा सभी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों या स्वसहायता समूह को पत्र जारी आगामी समय पर किया जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी है उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।